नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मैदा पापड़ी बनाएंगे। मैदा पापड़ी नाश्ते में या चाय के साथ सभी को बहुत पसंद आती है। तो आइए देखें, मैदा पापड़ी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मैदा 1 कप, नमक स्वादानुसार या 1/4 छोटी चम्मच, अजवाइन 1/4 छोटी चम्मच, और तेल मैदा में डालने के लिए और पापड़ी तलने के लिए। मैदा लगा लेते हैं। तो ये 1 कप मैदा है, मीन्स 100 ग्राम। 1 कप में 100 ग्राम मैदा आती है। ये हमने बर्तन में डाल ली। और ये नमक, अजवाइन। अब हमें तेल डालना होगा, तो मैदा का 1/4 भाग तेल डालते हैं। 100 ग्राम मैदा है तो हम इसमें 25 ग्राम तेल डालेंगे। ये हमारा कप 1/4 कप ही है, लेकिन तेल इसमें 50 ग्राम आता है, तो इसका आधा कप ले लें, यानी 25 ग्राम तेल हम मैदा में मिलाएंगे। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं, और अब हम पानी की सहायता से सख्त आटा गूंथेंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना होगा। तो इस कप में ही हम थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा पानी डाल करके मैदा गूंथते जाएंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालते, क्योंकि मैदा पतली हो सकती है। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे। और अब इस मैदा को हम 3-4 मिनट तक इसी तरीके से गूंथते रहेंगे, ताकि ये चिकनी हो जाए। ये आटा हमारा तैयार हो गया, और अब हम इस आटे को ढक कर के 20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट हो गए हैं, और अब हम इस आटे को मसल कर ठीक कर लेते हैं, और मैदा पापड़ी के लिए लोई तोड़ करके तैयार कर लेते हैं। तो जितना साइज़ हमें रखना है, उसके हिसाब से हम लोई तोड़ लेंगे। मीडियम साइज़ की पापड़ी बना रहे हैं हम, तो करीब इसमें से 12 के करीब बन जानी चाहिए। इन लोइयों को हम गोल बना के दबा के पेड़े तैयार करके रख लेते हैं। पापड़ी बनाकर तैयार कर ले रहे हैं। ये पापड़ी की लोई है, और इनको हम पतला बेलेंगे बिल्कुल। तो उठा करके घुमाकर पतला बेलते जाएंगे। ये पापड़ी बिल के तैयार हो गई, और अब हम इसे इस तरीके से आधे से कम फोल्ड करेंगे, और फिर यहाँ से उठाएंगे, और ये दूसरा फोल्ड। तो 2 फोल्ड हैं, और इस शेप में हमारी पापड़ी बनकर तैयार है। ये हमारी सारी पापड़ी बनकर तैयार हो गई हैं, और अब हम पापड़ी तल लेंगे। तेल को टेस्ट कर लेते हैं। ज़रा सा आटे का टुकड़ा डालेंगे कि तेल गर्म हो गया है कि नहीं। तो आटे का टुकड़ा सीख कर के तेल पे तैरना चाहिए। तो ये देखिए, आटे का टुकड़ा तैर रहा है, यानी तेल गर्म है। और अब हम अपनी पापड़ी तल लेते हैं। तो एक एक पापड़ी उठा करके इस तरीके से डाल देंगे, और ये पापड़ी भी हमें धीमी गैस पे तलनी है, तेज़ पे नहीं तलेंगे। तो जितनी पापड़ी आसानी से तेल में तली जा सके एक बार, उतनी पापड़ी हम उठा करके डाल देंगे। जो पापड़ी सिक रही है उन्हें पलट देंगे, और धीमी गैस पर ब्राउन कलर तक होने तक पापड़ी तलेंगे। पापड़ी हल्की ब्राउन हो गई हैं, लेकिन अभी 2 मिनट और लगेंगे इन्हें।
अच्छे से ब्राउन होने तक पापड़ी तलेंगे। पापड़ी दोनों ओर से ब्राउन हो गई हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये पापड़ी सेक करके तैयार हो गई हैं। बहुत ही सुंदर पापड़ी, एकदम सुनहरी सुनहरी, बहुत अच्छी लग रही है। ये मैदा पापड़ी आप सुबह नाश्ते में या चाय के साथ जब भी आपको पसंद हो तब खाइए। इनको आप 2 सप्ताह या 20 दिन तक रखकर खा सकते हैं। मैदा पापड़ी आप बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।